ओके सो नाउ अब हम बात कर रहे हैं आपके डाउट्स की, और डाउट में आपके दो क्वेश्चन आए हैं। दीप्ति की तरफ से आया है ये पहला क्वेश्चन, और नेत्री की तरफ से आया दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, कोई बात नहीं, दोबारा में समझ रहे हैं हम, तो सुनिए ध्यान से। हम बात कर रहे हैं सबसे पहले थैलस क्या होता है। ठीक है, तो सुनिए, ध्यान से सुनना। ठीक है, थैलस के बारे में, देखिए दो तरह की बॉडी होती है, अगर मैं आपको समझाऊं। एक होती है डिफरेंशिएटेड बॉडी, डिफरेंशिएटेड, और एक होती है अनडिफरेंशिएटेड बॉडी। ठीक है, एक बॉडी है डिफरेंशिएटेड और एक है अनडिफरेंशिएटेड। नाम से पता चल रहा होगा डिफरेंशिएटेड और अनडिफरेंशिएटेड में क्या डिफरेंस है, लेकिन फिर भी हम इसको और ज्यादा क्लैरिफाई करेंगे। ठीक है, अच्छा, डिफरेंशिएटेड का मतलब है जिसके अंदर मुझे प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन, और मतलब इसके अंदर अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स मुझे क्लियरली विजिबल हो रही हैं। याद रखना, देखो मैंने क्या बताया अभी। थैलस का मतलब क्या है पहले ये समझ लो। थैलस का मतलब होता है अनडिफरेंशिएटेड बॉडी, और डिफरेंशिएटेड बॉडी थैलस नहीं होती है। अब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ इसको ध्यान से सुनना। डिफरेंशिएटेड वर्ड से मैंने डिफरेंट ले लिया है, डिफरेंट एक वर्ड। ठीक है, तो जिसके अंदर मुझे डिफरेंट ऑर्गन्स या फिर स्ट्रक्चर्स क्लियरली विजिबल हो, ठीक है ना, वो कैसे विजिबल हो, एकदम अच्छे से विजिबल हो, तो उसको मैं बोलूंगा डिफरेंशिएटेड बॉडी। और अनडिफरेंशिएटेड में सीधी सी बात है कि मुझे डिफरेंट ऑर्गन्स क्या नहीं होंगे अच्छे से, डिफरेंट ऑर्गन्स या फिर स्ट्रक्चर्स अच्छे से क्या नहीं होंगी, विजिबल नहीं होंगी। सीधी बात ये है, एग्जाम्पल बताता हूँ। देखो थैलस दिखता किस किस में, थैलस दिखेगा एक तो आपका फंजाई में दिखेगा, ठीक है ना, कुछ प्रोटिस्टा में भी हमने देखा था थैलस जो फंजाई से मैच कर रहे थे। ठीक है, और प्लांट्स, इन सब में देखने को मिलेगा। अब नॉर्मली अगर मैं एग्जांपल लूँ एक, जैसे कि मैंने उस दिन ही बताया था कि प्लांट है, अगर मुझे प्लांट के अंदर क्लियरली उसका स्टेम, ठीक है, उसकी रूट्स, मैंने ब्लू कलर से रूट्स बनाई है, ठीक है, हाँ, अगर मुझे इस प्लांट के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स क्लियरली दिख जाए, जैसे कि नीचे मैं बता रहा हूँ रूट्स मुझे क्लियरली दिख रही हैं, फिर ऊपर में स्टेम क्लियरली दिख रहा है, लीव्स, अगर आप इस प्लांट को देखेंगे तो इसके अंदर आपको लीव्स भी अच्छे से दिखाई देंगे, तो लीव्स आपको अच्छे से दिखाई दे रही है। तो जो इसकी नॉर्मल स्ट्रक्चर है, अगर मैं ह्यूमन की ही बात करूं, फॉर एग्जांपल अगर मैं ह्यूमन के डिफरेंशिएशन की बात करूं, तो ह्यूमन के अंदर अगर मुझे हेड, हेड के नीचे आएगा आपका नेक, और नेक के नीचे आएगा आपका थोरेक्स, ठीक है ना, थोरेक्स, हेड है और फिर नेक है और फिर थोरेक्स है और फिर एब्डोमन है। अगर ये सब मुझे क्लियरली दिख रहे हैं तो मैं ऐसे ही बोल दूंगा कि इसका ह्यूमन का डिफरेंशिएशन कैसा है, सही है, एकदम ये डिफरेंशिएटेड ह्यूमन है। और कुछ कुछ ह्यूमन ऐसे होते हैं जैसे कि उनके अंदर नेक ही नहीं होती है, हेड ही सीधा थोरेक्स चिपका हुआ होता है, ठीक है, बीमारी की वजह से, जेनेटिक डिसऑर्डर्स की वजह से, तो उसकी बॉडी में डिफरेंशिएशन नहीं हो पाता है। चलो ये तो थी ह्यूमन केस में डिसीज की बात। अब थैलस एक ऐसी स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हमें ना तो लीव्स दिखेंगी क्लियरली, ना ही स्टेम्स दिखेंगे, ना ही रूट्स हमें क्लियरली दिखेंगे।
बस ऐसे ही कोई भी स्ट्रक्चर्स दिखती हुई मिल जाएंगी, जैसे कि आप एल्गी के अंदर भी देखेंगे, कोई भी स्ट्रक्चर आपको क्लियरली नहीं दिखाई देगी उसके, ना रूट्स, ना स्टेम, ना लीव्स। तो ऐसी बॉडी को हम बोलेंगे थैलस, जिसके अंदर मुझे कुछ भी क्लियरली विजिबल ना। जब मैं आपको एल्गी पढ़ाऊंगा, प्लांट्स के अंदर देखो, मैंने आपको बताया था कि प्लांट्स के अंदर तरह तरह की चीजें आती हैं, तरह तरह के डिवीजन आते, 5 डिवीजन आते, मैंने आपको बताया था। सबसे पहला है एल्गी, फिर आता है ब्रायोफाइटा, फिर आता है टेरिडोफाइटा, ठीक है, फिर आता है जिम्नोस्पर्मी, और फिर आता है एंजियोस्पर्मी। अब एल्गी को हम लोग थैलोफाइटा बोल देते हैं, थैलोफाइटा। थैलोफाइटा में थैलस मतलब ये ऐसे प्लांट है जिनके अंदर अच्छे से डिफरेंशिएशन नहीं मिलेगा, ठीक है, अच्छे से डिफरेंशिएशन देखने को नहीं मिलेगा, मतलब इनकी बॉडी को हम थैलस बोलेंगे। और थैलस बस वही है जिनकी बॉडी में हम बाहर से अगर देखें, एक्सटर्नल अपीयरेंस उनका देखें, तो उसमें मुझे एकदम डिफरेंशिएशन या फिर डिफरेंट डिफरेंट जो स्ट्रक्चर्स उनके अंदर मिलनी चाहिए वो मुझे क्लियरली विजिबल ना हो, वो मुझे विजिबल ना हो तो होगा क्या? तो ऐसी बॉडी को हम बोलेंगे थैलस, समझ गए? अब थैलस का मतलब बस ये होता है अनडिफरेंशिएटेड बॉडी, और डिफरेंशिएटेड बॉडी को हम थैलस नहीं बोलेंगे। क्लियर है? समझ में आ गया? यस सर। ओके अब इसके बाद ये जो नेक्स्ट डाउट आया है इसकी बात कर लेते हैं। नेक्स्ट डाउट है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है और ट्रांसडक्शन क्या होता है और कंजुगेशन क्या होता है। तो सुने ध्यान से, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं यहां पे ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, देखो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, मैंने एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे एक बैक्टीरियल सेल का, मैं चलो एक बैक्टीरियल सेल है, ठीक इसका मैंने फ्लैजिला भी बना दिया है जिससे कि आपको लगे कि हाँ ये कोई बैक्टीरियल सेल ही है। ठीक है, अब सुनो, ये है एक बैक्टीरियल सेल, मान के चलो बाहर कोई डेड बैक्टीरिया है या कोई डीएनए पड़ा हुआ है बाहर, ठीक है, डीएनए, एंड डीएनए इज व्हाट, डीएनए की फुल फॉर्म आपको पता होगी, ठीक है, तो डीएनए पड़ा हुआ है बाहर। अब ये जो डीएनए है इसके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे, फिलहाल मैं बैक्टीरिया के डीएनए की बात कर लेता हूँ। बैक्टीरिया के अंदर दो तरह के डीएनए मिलते हैं, एक तो मिलता है क्रोमोसोमल डीएनए, ठीक है, जो मैंने अभी बना दिया है, एक मिलता है इसके अंदर क्रोमोसोमल डीएनए, ठीक है ना। क्रोमोसोमल डीएनए हम किसको बोलते हैं, पहले ये दिमाग में रख लीजिएगा, क्रोमोसोमल डीएनए एक तो कंट्रोल करता है सेल की अलग अलग एक्टिविटीज को, ठीक है, दूसरा ये इनहेरिटेंस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है ना, इनहेरिटेंस के लिए, और मेन जो डीएनए होता है सेल का वो यही होता है जो मेन डीएनए होता है जिसकी वजह से सेल जिंदा है, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ एडिशनल फीचर्स देने के लिए एक और डीएनए मौजूद होता है जो कि छोटा होता है साइज में, ठीक है ना, इससे रेड वाले से जो मैंने ब्लू वाला बनाया है ये छोटा होगा साइज में, स्मॉल है और सर्कुलर है, याद रखना ये कैसा है, ये एक तो स्मॉल है और सर्कुलर डीएनए है। इस स्मॉल सर्कुलर डीएनए को हम बोलते हैं
प्लाज्मिड, ठीक है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, प्लाज्मिड बोलेंगे। तो प्लाज्मिड क्या होगा, एक तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, देखो एक तो है क्रोमोसोमल डीएनए, ठीक है, और एक वर्ड होता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, एक होता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, ठीक है। अब सुनो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मतलब क्या है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मतलब होगा, एक्स्ट्रा मींस होता है बाहर, आउटसाइड, एक्स्ट्रा मींस आउटसाइड, आउटसाइड ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए। तो ये तो हो गया हमारा कौन सा डीएनए, ये डीएनए हो गया हमारा क्रोमोसोमल डीएनए, ठीक है ना, क्रोमोसोमल डीएनए, ये जो रेड वाला, ये क्रोमोसोमल डीएनए, इसके बाहर जो भी डीएनए मिल रहा है वो कौन सा हो जाएगा, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। तो प्लाज्मिड क्या है पहले ये बताओ, ये सच में आ गया प्लाज्मिड क्या होता है, बताइए। अब देखो डीएनए डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर ही होगी, डीएनए ऑलवेज डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होगी, ठीक है ना, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होती है। आप देखेंगे स्ट्रैंडेड, इसके अंदर दो स्ट्रैंड्स दिखते हैं, एक स्ट्रैंड इस तरह से और एक स्ट्रैंड इस तरह से, और इन दोनों स्ट्रैंड्स के बीच में बॉन्ड्स बनते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ये जो लाइन खींचते हैं ना, ये कौन से बॉन्ड्स होते हैं याद रखना, कौन से बॉन्ड है, ये है हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब होगा क्या, कोई भी डीएनए है वो ही किसी भी कैरेक्टर के एक्सप्रेशन के लिए जिम्मेदार होता है, कोई भी डीएनए है ये ही किसी के अंदर जो भी कैरेक्टर आ रहा है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। मान के चलो ये डीएनए है, ठीक है, मैंने आपको बताया था डीएनए के बारे में कुछ, कि डीएनए से क्या बनता है, आरएनए बनता है, और फिर उससे क्या बनता है, प्रोटीन बनता है, मैंने आपको बताया था, अगर किसी को याद हो तो, चलो कोई बात नहीं। कौन सी प्रोसेस से, डीएनए से आरएनए बनता है, ट्रांसक्रिप्शन से, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन से डीएनए से क्या बन जाएगा, आरएनए। अब आरएनए क्या है, आरएनए एक सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है, और जो इसने आरएनए बनाया वो बनाया एमआरएनए, ठीक है, इस एमआरएनए से फ्यूचर में बनता है प्रोटीन, फ्यूचर में क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। एकदम टोटल कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, आपने डाउट एक पूछा है लेकिन मैं आपके और भी बहुत सारे डाउट क्लियर कर दूंगा इसके रिगार्डिंग, ठीक है। डीएनए क्या बनता है, प्रोटीन। अब प्रोटीन हमारे शरीर में बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बायो मॉलिक्यूल है, हमारी बॉडी में बहुत सारे हार्मोन जो हैं वो सब प्रोटीन, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन वगैरह वगैरह, ठीक है, इंसुलिन भी एक प्रोटीन हार्मोन है। इसके बाद अच्छा नाम तो सुना होगा, ग्रोथ हार्मोन इंसुलिन सुना है ना नाम, यस ओके। इसके बाद जितने भी एंजाइम है हमारी बॉडी में वो सभी प्रोटीन है, सिर्फ एक एंजाइम को छोड़कर, ठीक है। प्रोटीन हमारी बॉडी में बिल्डिंग ब्लॉक की तरह भी काम करता है, ठीक है ना, प्रोटीन हमारे शरीर में एंटीबॉडीज, जो हमारे शरीर में एंटीबॉडीज होती है जैसे कि IgA, IgG, तो ये सब भी क्या है, प्रोटीन ही है, मतलब हमें बीमारियों से भी प्रोटीन ही बचाती है, हमारी बॉडी की स्ट्रक्चर में भी प्रोटीन का बहुत ज्यादा योगदान है। और इस प्रोटीन को बनाने के पीछे रेस्पॉन्सिबल कौन होता है, डीएनए डीएनए। अब डीएनए का भी कुछ हिस्सा ही प्रोटीन बनवाता है, और डीएनए का वो हिस्सा जो प्रोटीन बनाता है, जैसे कि मैंने अभी यहां बना दिया, डीएनए का वो हिस्सा जो कि प्रोटीन बनाएगा उसको हम बोलेंगे जीन, ठीक है ना। अब देखो मैंने जो रेड कलर से बनाया है ये ही जीन है, जो मैंने यहाँ रेड कलर से बनाया है इसको हम बोलते हैं जीन, ठीक है ना, मतलब जीन ही वो हिस्सा है जो प्रोटीन बनाता है, मतलब कुछ ना कुछ फंक्शन करता है, इसलिए जीन को हम बोल देंगे फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए। तो जीन की डेफिनेशन आप कैसे बताएंगे, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ जीन बताइए। इट्स द फंक्शनल यूनिट हाँ, फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए, गुड।
तो ये जो प्रोटीन बना है ये आप समझ सकते हो, ठीक है, इसके अंदर ये प्रोटीन हमारे शरीर में बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। मतलब कि किसी भी बॉडी के अंदर जो भी कैरेक्टर आ रहे हैं उसके पीछे रेस्पॉन्सिबल क्या है, डीएनए। तो डीएनए इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल जेनेटिक कैरेक्टर्स, ठीक है ना। जितने भी जेनेटिक कैरेक्टर हैं उन सब के लिए डीएनए रेस्पॉन्सिबल है। अब कैरेक्टर भी दो तरह के होते हैं, एक होता है जेनेटिक कैरेक्टर और एक होता है एक्वायर्ड कैरेक्टर। एक्वायर्ड कैरेक्टर और जेनेटिक कैरेक्टर में क्या डिफरेंस है, आपने 10th क्लास में ही पढ़ा होगा। एक्वायर्ड कैरेक्टर वो होते हैं जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास नहीं होते हैं। जैसे कि मैं टीचर हूं तो मेरा बच्चा भी टीचर पैदा नहीं होगा, ठीक है। कोई रेसलर है तो उसका बच्चा पहले से ही रेसलर पैदा नहीं होगा। ये सब ट्रेनिंग पर्पस से आते हैं, जो ट्रेनिंग करते हैं, ठीक है। अच्छा, आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रोसेस को ट्रांसलेशन बोलते हैं, ठीक है। चलो अब मैं अपनी बात पे आता हूं। अब मैंने आपको सब कुछ बता दिया, डीएनए ही किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, किसी भी जेनेटिक कैरेक्टर के लिए, लाइक बॉडी कलर या फिर मॉर्फोलॉजी, उसकी हाइट, उसके स्किन कलर है ना, या फिर उसकी जो नस्ल है, उस सब के पीछे डीएनए रेस्पॉन्सिबल होता है। अब होगा क्या, ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, बाहर से कोई भी डीएनए बैक्टीरियल सेल के अंदर एंट्री कर जाएगा, या फिर ये बैक्टीरिया इस डीएनए को अपने सेल के अंदर एंट्री दे देगा। एंट्री देने के बाद क्या होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं थोड़ा सा आगे बताऊंगा, ठीक है। हाँ जी, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, सुनो। अब जो इसका बैक्टीरियल सेल का जो डीएनए है, ठीक है ना, इस बैक्टीरियल सेल का जो डीएनए है उसके अंदर ना चेंज आ जाएगा, मैं ये तो था इसका क्रोमोसोमल डीएनए, और मान के चलो ये बाहर का जो डीएनए है ये इसके प्लाज्मिड के साथ जुड़ गया आकर के। ये जो बाहर से डीएनए आया है ये इसके प्लाज्मिड के साथ जुड़ गया, ठीक है ना, प्लाज्मिड के साथ आकर के जुड़ गया। अब आप खुद देखें, यहाँ पे इस जगह पर क्या हो गया, इस जगह पर एक न्यू डीएनए फॉर्म हो गया, नहीं हो गया, आप बताइए क्या एक न्यू डीएनए फॉर्म हुआ, नहीं हुआ। यस तो एक न्यू डीएनए फॉर्म हो गया किसी अदर बैक्टीरिया की, किसी किसी अदर डीएनए, ये बैक्टीरिया का डीएनए मान के चलो, तो इसने जब इस बैक्टीरिया के अंदर एंट्री कर ली, या फिर इस बैक्टीरिया ने इस डीएनए को अपने अंदर एंट्री दे दी, तो ये डीएनए जब इसके डीएनए के साथ फ्यूज हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है इसके अंदर क्या हो जाएगी, इसके कैरेक्टर क्या हो जाएंगे, ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। इसके कैरेक्टर क्या हो जाएंगे, ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, बदल जाएंगे। इसे कैरेक्टर अब बदल गए, नहीं बदल गए, क्योंकि मैंने अभी भी बताया कि हमारे शरीर में जितने भी, हमारे शरीर हो या किसी का भी शरीर हो, उसके जितने भी कैरेक्टर हैं सबके पीछे कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, अभी मैंने बताया था आपको, ठीक है ना। और अब यस इसके अंदर जब नया डीएनए ही बन गया है तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, ट्रांसफॉर्मेशन। समझ में आ गया। ऐसा ही एक साइंटिस्ट था, उसने एक्सपेरिमेंट किया था, ग्रिफिथ नाम का साइंटिस्ट था, ग्रिफिथ एक साइंटिस्ट था, वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था। उसने क्या किया था, एक बैक्टीरिया लिया आर स्ट्रेन, जैसे कि रेड वाला बैक्टीरिया तो मान लो आर स्ट्रेन, ठीक है ना, और एक मरा हुआ बैक्टीरिया उसके चारों तरफ पटक दिए जो कि थे एस स्ट्रेन। एस स्ट्रेन मतलब मरे हुए थे। एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन में फर्क क्या है, आर स्ट्रेन का मतलब है रफ स्ट्रेन, ऐसे बैक्टीरिया जो कि रफ स्ट्रेन के हैं। एस स्ट्रेन क्या है, जो कि स्मूथ स्ट्रेन के हैं, है ना। एस स्ट्रेन के डीएनए के पास ऐसी खासियत थी कि ये जो बैक्टीरिया है एस स्ट्रेन वाला, उस बैक्टीरिया के चारों तरफ एक लेयर बना देता था, एक्स्ट्रा लेयर, ठीक है ना, जिसकी वजह से वो स्मूथ बैक्टीरिया बन जाता था, जबकि रफ बैक्टीरिया के चारों तरफ वो वाली लेयर नहीं होती थी। लेकिन जैसे ही ये वाला डीएनए उसके अंदर आ गया आर स्ट्रेन के पास, क्योंकि एस स्ट्रेन तो मरा हुआ है,
जैसे ही ये वाला डीएनए उसके शरीर के अंदर एंट्री किया, तो ये वाला डीएनए जब इसके पास जुड़ गया तो आर स्ट्रिंग चारों तरफ भी क्या आ गई, एक लेयर आ गई, जिसकी वजह से ये आर स्ट्रेन किस में ट्रांसफॉर्म हो गए, एस स्ट्रेन। समझ में आ गया, क्लियर है? यस सर। तो ये बात आपको याद रखनी है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, ठीक है? अब मैं आगे बताता हूं, नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं, ठीक है? नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं, एंड द नेक्स्ट प्रोसेस इज ट्रांसडक्शन। अब देखो बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपके मजबूत कर दिए हैं, आप देखना आप कितनी जल्दी समझ जाओगे इन चीजों को। बहुत ही बेसिक डाउट है और रियल में ही ये आना चाहिए, तभी 12th क्लास में भी कुछ कर पाएंगे, ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम ट्रांस डक्शन की, ठीक है? अब देखो ट्रांस डक्शन में क्या होता है, अच्छा एक ना वायरस होता है, वायरस जानते हो सभी? यस देखो वायरस एक तरह का वायरस होता है जो कि बैक्टीरिया सेल को ही इन्फेक्ट करता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ इन्फेक्ट करे किसको, बैक्टीरियल सेल को। ऐसे वायरसेस को हम बोलते हैं बैक्टीरियोफेज, क्योंकि ये किसको खाते हैं, ये बैक्टीरिया को खाते हैं, मतलब खा तो नहीं पाएंगे लेकिन इन्फेक्ट करेंगे बैक्टीरिया की सेल को, ठीक है ना? तो ऐसे वायरसेस को हम बोलेंगे बैक्टीरियोफेज। तो ये जो मैंने साइड में बनाया है इसको हम बोलते हैं बैक्टीरियोफेज, ठीक है ना? इस वायरस का क्या नाम है, बैक्टीरियोफेज, ठीक है? अब सुनो, इसके पास क्या होता है, इस वायरस के पास अपना खुद का डीएनए होता है। क्या होता है? अपना खुद का डीएनए होता है। तो ये वायरस के पास है क्या क्या स्ट्रक्चर, वो सुन लीजिए पहले। इस वायरस के पास एक तो अपना डीएनए है, ठीक है, एक इसके पास अपना प्रोटीन है, और ये है इसकी टेल, ठीक है? तो ये क्या है, ये तो है इसकी प्रोटीन कवरिंग, और ये है इसका डीएनए या फिर जीनोम बोल सकते हो, और ये है इसकी टेल। अब देखो ये करते क्या, जल्दी फटाक से बता देता हूँ ये करेंगे क्या। जो भी बैक्टीरियल सेल होगी, जो भी बैक्टीरियल सेल होगी, ठीक है, ये क्या करेंगे, उसके साथ आकर के उस बैक्टीरियल सेल को पकड़ेंगे पहले तो अपने टेल्स की मदद से, ठीक है? और पकड़ने के बाद ये वायरस क्या करेंगे, ये वायरस अपने इस डीएनए को इस बैक्टीरियल सेल के अंदर डाल देंगे, ठीक है? फिर से वही केस होगा, एक नया डीएनए बनेगा, जैसे कि मैंने बताया था, अभी बताया था ना, नया डीएनए बनने से क्या हो जाएगा बताओ मुझे? हाँ ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन अब इस केस में हम इसको ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये वायरस की मदद से हो रहा है, बैक्टीरियोफेज की मदद से हो रहा है, इसलिए अब इसको हम बोलेंगे ट्रांसडक्शन। क्या बोलेंगे अब इसको हम, ट्रांसडक्शन, मतलब ट्रांसफॉर्म तो हो रहा है इसलिए ट्रांस वर्ड आ रहा है, लेकिन वायरस की मदद से आ रहा है तो ट्रांसडक्शन, ठीक है? तो होगा क्या, यहाँ पे अब इस बैक्टीरिया के जो डीएनए के साथ इस वायरस का नया डीएनए क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, और अब इसके कैरेक्टर में क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। चेंज किस में आ जाएगा, इसके कैरेक्टर्स में चेंज आ जाएगा। तो इस तरह से भी बैक्टीरिया के अंदर नए नए जेनेटिक कॉम्बिनेशन बनते हैं। एक्चुअली मैंने ये तीनों हेडिंग्स आपको तो पढ़ाई थी जेनेटिक कॉम्बिनेशन के अंडर में, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के अंडर पढ़ाई थी ना। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन तीन तरह का होता है, तब ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, और अब लास्ट बात करते हैं कॉन्जुगेशन की। और कॉन्जुगेशन में जो स्ट्रक्चर हेल्प करती है उसका नाम है, पहले तो मैं लिख देता हूँ कॉन्जुगेशन, उसका नाम है पिलाई। मैंने आपको पढ़ाया था PILI, ठीक है? तो बात करते हैं कॉन्जुगेशन की। ठीक है, अब हम कॉन्जुगेशन पढ़ते हैं। तो देखो कॉन्जुगेशन में क्या होता है, बहुत ही सिंपल है। एक बैक्टीरिया है, अभी बैक्टीरिया के पास मैंने दो तरह के डीएनए बताए, कौन कौन से डीएनए बताए बताओ? हाँ
क्रोमोजोनल एक्स्ट्रा क्रोमोजोन। हाँ जी सही है। तो देखो दो बैक्टीरिया सेल आती हैं और ये आपस में आके जुड़ जाएंगी, मतलब एक वो बैक्टीरिया होगा जिसके पास पिलाई थोड़ा सा लार्ज होगा, बड़ा होगा, उसको हम बोलेंगे एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया। इसको मेल बैक्टीरिया भी बोल देते हैं क्योंकि इसके पास पिलाई जो है वो बड़े साइज का है और वो फ्यूज करता है किसी दूसरे से, और जिसके पास पिलाई नहीं होता है या फिर छोटा होता है उसको हम बोलते हैं एफ माइनस बैक्टीरिया, और इसको हम क्या बोल देते हैं, फीमेल बैक्टीरिया बोल देते हैं। अब इसके पास दो तरह के डीएनए हैं जैसे कि मैंने बताया था, ठीक है, एक तो है इसका क्रोमोसोमल डीएनए और एक है नॉन क्रोमोसोमल डीएनए बोल दीजिए या फिर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए बोल दीजिए या फिर प्लाज्मिड बोल दीजिए, ठीक है। अब होगा क्या, अब देखो सीधी सी बात है, इस बैक्टीरिया के पास अलग डीएनए होगा, इसके पास मान चलो डीएनए टाइप 1 था, ठीक है, इसके पास था डीएनए टाइप 2। अब होगा क्या, मैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए की बात कर रहा हूं, ठीक है, होगा क्या, इस पाइलस की वजह से एक स्ट्रक्चर फॉर्म हो गई है जिसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेशन ब्रिज, इसको हम बोलेंगे कॉन्जुगेशन ब्रिज बोलेंगे, ठीक है। तो देखो होगा क्या, ये वाला प्लाज्मिड इधर पहुंच जाएगा और ये वाला प्लाज्मिड इधर आ जाएगा। अब बताओ डीएनए की अदला बदली हो गई जो कि पहले इन बैक्टीरिया के पास नहीं था, तो इन दोनों ही बैक्टीरिया के पास न्यू डीएनए आ गए, तो अब होगा क्या, इसको भी हम बोल सकते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, तो मतलब अब क्या होगा, न्यू कैरेक्टर आएंगे, अब क्या आएंगे, न्यू कैरेक्टर आएंगे, तो इस तरह से इनके अंदर वेरिएशन आ सकते हैं। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया, ट्रांसडक्शन ट्रांसफॉर्मेशन कंजुगेशन सब कुछ समझ में आ गया, क्लियर है। और एक कंजुगेशन ब्रिज किसकी वजह से फॉर्म होता है याद रखना, उस ब्रिज का नाम है पाइलस, इसके अंदर एक प्रोटीन होता है जिसको हम बोलते हैं पिलीन, पिलीन प्रोटीन, ठीक है। यहाँ तक आपके डाउट्स क्लियर हो गए हैं, और भी डाउट्स सॉल्व होंगे तो हम मिलेंगे फिर डाउट्स के लिए सैटरडे को, ठीक है, और सैटरडे को डाउट हो तो पूछ लेना, क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग। बाकी मैं ये क्लास एंड कर देता हूँ।